अमित कलेक्शन जीन्स शर्ट टी शर्ट ट्राउजर कैफ्री बेल्ट चश्मा घड़ी अंडर गारमेंट्स अमित कलेक्शन स्मार्ट शॉपिंग मॉल लिंक रोड सागर। फिल्में देखकर अपराधियों ने फिल्मी सीनों को असल जिंदगी में अपनाया और वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। कुछ ऐसा ही मामला एमपी के छतरपुर से सामने आया, जहां पुलिस ने यूपी के व्यापारी पर जानलेवा हमले का खुलासा किया और ये बात सामने आई। सभी आरोपी फिल्में देखकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। बीते 5 दिसंबर को यूपी के बांदा के व्यापारी पर खजुराहो से शादी समारोह से लौटते समय 3 बाइक सवारों ने सड़क पर बाइक लगाकर लूटने की कोशिश में फॉर्च्यूनर कार पर गोली चला दी थी और दूसरे फायर से गोली व्यापारी मसंदर सिंह के हाथ को चीरती हुई निकल गई थी। व्यापारी पर हमले की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने इस मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। पकड़े गए आरोपियों ने घटना के पहले लूट समेत 4 और भी वारदातें की थी। इनके पास से 4 बंदूक कट्टे समेत कारतूस भी जब्त किए हैं। इसको लेकर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने जानकारी दी। ये 5 दिसंबर को थाना राजनगर अंतर्गत करीब 2 बजे के आसपास थाना प्रभारी का मैसेज आया कि बांदा के कुछ व्यक्ति थे, रतन सिंह फैमिली और गुप्ता फैमिली ज्वाइंट थी, ये कहीं वापस एक शादी अटेंड करके खजुराहो से बांदा जा रहे थे। इनका जो रूट था ये लौकुश नगर, जो डहर्रा लौकुश नगर वाला रूट इन्होंने अडॉप्ट किया था, फॉर्चुनर व्हीकल में थे। तो डहर्रा से 1 किलोमीटर आगे रेलवे ब्रिज आता है, वहाँ पे कुछ लोगों ने इनको रोक के इनके ऊपर फायर किया और इनके जो ड्राइवर थे मच्छेंद्र सिंह उनके हाथ में फायर लगा भी। और किसी तरीके से उन्हें जाके ये महाराजपुर थाने में इन्फॉर्म किया और हमारी पुलिस एक्टिव हुई। ये बहुत ही गंभीर मैटर था, इमीडिएट घटना की जानकारी DIG छतरपुर सर और SP सचिन सर को दी गई और सर ने इमीडिएट SDOP खजुराहो थाना प्रभारी राजनगर को स्पॉट में भेजा। हम लोग स्पॉट में गए, SP सर खुद भी स्पॉट में गए। जब डिटेल हमने निकाला कि किस तरह के व्यक्ति थे, उनका हुलिया क्या था, कुछ कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हुई। जब और डिटेल में गए तो पता लगा कि सेम डे पे एक घटना उसी स्पॉट में लूट की भी हुई थी। ये लोग अमानगंज के रहने वाले थे, जो कानपुर से अमानगंज लौट रहे थे। इनके साथ भी इन्हीं लड़कों ने बाइक से रोका इनको, इनके ऊपर फायर किया, इनको चमकाया और इनसे उनके पास जो 3000 रुपये प्लस मोबाइल था वो उनसे छीन लिया। और सेम डे में ही इन्होंने एक घटना और करी जो लेटर ऑन हमारे संज्ञान में आई। एक पटेल फैमिली है ढर्रा की, जिनको ये जानते थे, इनके पूर्व के कोई विवाद थे, उनके ऊपर भी घर में जाकर इन्होंने गाली गलौज करी और जब वो बाहर निकले उनके ऊपर फायर किया। इस तरह लगातार 3 घटनाएं करी। इसमें टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट किया और उसी दिन हमारी टीम बनाई गई। इसमें हमने 4 आरोपी अरेस्ट किए हैं, इसमें 3 नाबालिग बच्चे हैं, एक अशोक पटेल अतर्रा का, 4 लोग की थी गैंग। और ये पता लगा कि पहले भी ये छिटपुट घटनाएं कई जगह कर रहे थे, इनके कुछ अपराध भी थे। और इनके पास से हमने एक 12 बोर की बंदूक, एक 315 बोर का कट्टा, एक हमने देसी कट्टा और साथ में कुछ लाइव कारतूस, जिसमें 6 कारतूस करीब 12 बोर के होंगे और 2 कारतूस 315 बोर के, 8 मोबाइल, 2000 रुपये कैश। इस तरह नगद लगभग 2,10,000 के आसपास का है मसू का, जो इनसे रिकवर किया गया है। इनको कोर्ट केस कर रहे हैं, तो SP सर ने पूरी टीम को बधाई दी और कैश रिवार्ड का भी सर ने डिक्लेयर किया। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल, सागर TV न्यूज। जो आए एक बार वो आए बार बार, अमित कलेक्शन एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। फैंसी जीन्स शर्ट टी शर्ट एवं फॉर्मल शर्ट ट्राउजर कैफ्री बेल्ट चश्मा घड़ी अंडर गारमेंट्स सभी प्रकार के कपड़ों की अनुपम श्रृंखला। हमारा पता है अमित कलेक्शन स्मार्ट शॉपिंग मॉल लिंक रोड बाहुबली कॉलोनी सागर। हमारा नंबर है 8889022774 9302314729।